राजद की समाप्ति, हमारा रोजगार का अवसर, कोई माई समीकरण पाप समीकरण काम नहीं आया। जब राजद सत्ता में आया था तो हमारा कुंदन पटेल का जेल के अंदर बंद किया गया। रामनवमी को बिहार के कई जिले में आतताइयों ने अत्याचार किया। सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और विषाद क्या है जो एक परिवार से बाहर नहीं निकल सका। राजद के लोगों ने अपराधियों का साम्राज्य बनाया था। हमने कहा था सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदला जाएगा। आज सत्ता बदली है, फिर रामनवमी आया, पूरे बिहार के अंदर कहीं आतताइयों का अत्याचार नहीं हुआ। जिन लोगों ने जातीय जहर की लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया, जंगल राज के वातावरण से लोगों में दहशत पैदा किया, हर समाज को लड़ाकर नरसंहार कराया, जब तक ये आतताई दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी ये आतंकवादियों को उग्रवादियों को अपराधियों को संरक्षित करने वाला राजद की मानसिकता का रहेगा, हमारा निवेशक बिहार में नहीं आएगा। जब तक निवेशक नहीं आएगा तब तक रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा। विकसित भारत की ओर कदम बढ़ चुका है और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करना है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश का सम्मान करके जनताओं के भावनाओं के अनुरूप एनडीए की सरकार फिर से ला करके उस अराजकता को समाप्त करने का संकल्प लिए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि ये तो समाजवादी का पुत्र था, हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन ये लूटने से बाज नहीं आ रहा, नेचर से नेचर नहीं बदलता है। और वह व्यक्ति का आज भी वही स्वरूप है, माता पिता मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र। यह कहते हुए सदन में अहंकार झलकता था कि कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री है। इसीलिए वे चार्टर्ड विमान पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर बर्थडे मनाता है। केक की संस्कृति में पहुंच चुका है, वो सनातन की संस्कृति से दूर होते जा रहा है। वही व्यक्ति है जब सत्ता में था, मुख्यमंत्री तो हमारे पहले भी थे और आज भी है, लेकिन जब राजद सत्ता में आया था तो हमारा कुंदन पटेल का जेल के अंदर बंद किया गया। रामनवमी को बिहार के कई जिले में आतताइयों ने अत्याचार किया। दरभंगा के अंदर एक दलित के शव पर श्मशान में ले गया था जलाने के लिए, लाठियों से पीटा गया, सौ पर पेशाब कर दिया। उसके हमारी माँ बहनों के साथ जो बदतमीजी अत्याचार किया, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने कहा था सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदला जाएगा। आज सत्ता बदली है, फिर रामनवमी आया, पूरे बिहार के अंदर कहीं आतताइयों का अत्याचार नहीं हुआ। ये अत्याचार के पीछे, ये दंगाइयों के पीछे, ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों के पीछे किसकी ताकत होती है? ये राजद के लोग जो जंगल राज को लाते हैं, जो नरसंहार कराते हैं, वो उग्रवादी वामपंथी विचारधारा को पोषित करते हैं। अरे ये वही लोग हैं जो उग्रवादियों को अपराधियों को सदन में पहुंचाते ही नहीं है, मंत्री तक बनाते। इस मानसिकता से मुक्ति की जरूरत, ऐसे लोगों से समाज को बचाने की जरूरत है। हम बिहारी सब पर भारी थे, आजादी के पर भी मेरा इतिहास गौरवशाली था। यह नालंदा की धरती हमारा मुकुट था। राजगृह से पूरे देश का, अखंड भारत का राजगीर और पटना से सपना साकार होता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि थी। आजादी के समय भी श्री बाबू
के बारे में अंग्रेजों ने लिखा कि देश में जब लाशें लद के आ रही थी और जा रही थी, बिहार में शांति था, लॉ एंड ऑर्डर में बिहार आगे था, किसानों के नहरीकरण में आगे था, झारखंड बिहार साथ था, औद्योगिकरण में हम आगे थे। किन लोगों ने ये जातीय जहर की लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया, जंगल राज के वातावरण से लोगों में दहशत पैदा किया, हर समाज को लड़ाकर नरसंहार कराया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को माननीय नीतीश कुमार जी को कहा कि बिहार जाइए, सुशासन स्थापित करिए, राम राज लाइए। राम राज का मतलब है सुशासन, सामाजिक समरसता, आपस में प्रेम भाईचारा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2010 के बीच में ऐसा सुशासन स्थापित किए कि अपराधी बिहार छोड़कर भाग गया, नहीं तो इनकाउंटर में कई अपराधी ऊपर पहुंच गया। ये बिहार था और जनता ने आशीर्वाद दिया। कोई माई समीकरण, बाप समीकरण काम नहीं आया। 2010 में 22 सीट पर अराजक को सिमटा दिया। 22 सीट पर बिहार को जरूरत है फिर इसकी कि हर बिहारी शब्द को गाली किसने बनाया, बिहारी को बदनाम किसने किया। हमारा नौजवान जब सम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहता था तो हर जात के अपराधियों के हाथ में हथियार थमाकर राजद के लोगों ने अपराधियों का साम्राज्य बनाया था। जो नौजवान स्वाभिमान से खड़ा होता था गोली का शिकार हो जाता था, और जब अपने भविष्य को बनाने के लिए दूसरे राज जाता था तो वहां गाली सुनना पड़ता था। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बरबोले पिता के बरबोले पोत आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और विषाद क्या है जो एक परिवार से बाहर नहीं निकल सका, जो अपने जात को भी नहीं देख सका। अपने जात को अगर जो सम्मान देते तो माननीय राम कृपाल यादव जी जो राजद का हनुमान था, राजद को छोड़ के नहीं भागते। और जब उन्होंने पार्टी का त्याग किया था आंख में आंसू भर करके कहे थे कि पिता का चप्पल जूता उठाते उठाते अब बेटी का चप्पल जूता उठाने के लिए कह रहा है, बेटा का चप्पल जूता उठाने के लिए। अरे ये बिहार है, ये सम्मान से स्वाभिमान को बेचने वाला नहीं है और पद के लिए पैर पकड़ने वाला यहाँ का नौजवान नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया और आज भाजपा के साथ 3 बार सांसद मंत्री भी बने, 4थी बार की तैयारी है। बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने का, सबका साथ सबका विकास की भाव को साकार करने का, न्याय के साथ विकास को बढ़ाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए, सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए आज जो संकल्प लिए हैं, हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम बिहार को बेहतर बनाने के लिए ये राजद से मुक्त करें, ये राजद के वामपंथी उग्रवादियों को जो ये सत्ता में ला करके एक दहशत का वातावरण बनाना चाहता है, इससे बिहार को मुक्त करना हम सब की जिम्मेवारी है। अरे पाए सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादी जब हमारा आंसू बहाता था, नरसंहार उग्रवादी करता था, तो आज नरसंहार करने वाला भी समाप्त है, उग्रवादियों का खात्मा है और आतंकवादियों का समापन भी हो चुका है। देश के अंदर वो बम फोड़ता था तो पाकिस्तान में घुस कर करके देश के प्रधानमंत्री ने उस आतंकवादियों के अड्डा को ही समाप्त कर दिया। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत 56 इंच के सीने का था। आज ये माहौल बना है बिहार के अंदर, एक बार सब बिहारी फिर जग जाए, जात पात के बंधन को तोड़ दें, सब मिलकर करके बिहार के गौरव को बढ़ाने का संकल्प ले लें, क्योंकि बिहार की गौरव बिना पढ़े देश का गौरव अधूरा रह जाता है।
देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हम विकसित बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। और जब तक ये आताताई, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, ये आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, अपराधियों को संरक्षित करने वाला राजद की मानसिकता का रहेगा, हमारा निवेशक बिहार में नहीं आएगा। जब तक निवेशक नहीं आएगा तब तक रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा। इसलिए राजद की समाप्ति हमारा रोजगार का अवसर, निवेशक का आगमन और जातीय जहर का खेती समाप्त होगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके ये जो सांसद है, नेता प्रतिपक्ष के नाते इस जिले में कई बार आप लोगों ने हमें बुलाया था और मैं इनकी एक विशेषता देखती थी।